दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आप फ्लिपकार्ट ना ऐसे यूपीआई यूज़ कर पाओगे। आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो, टॉप में आपको मिलेगा यूपीआई का सेक्शन। आप यहाँ पे ना यूपीआई में अपना बैंक को सेटअप करके मल्टीपल फीचर्स का लाभ ले पाओगे। बस इतना ही नहीं, आप फ्लिपकार्ट से ना यहाँ पे 10% का कैशबैक भी ले पाओगे, और यहाँ पे उसके सिवाय और भी एक्स्ट्रा 10-20 रुपये ऐसा कैशबैक भी मिल सकते हैं, जो कि हमें फोन पर और गूगल पे पर और पेटीएम के ऊपर हमें ऐसा कोई कैशबैक अभी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। फर्स्ट टाइम ये भी कर रहा था, तो सेम उसी तरीके से ना फ्लिपकार्ट अभी फर्स्ट मार्केट में आई हुई है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट यूपीआई ना हम जैसे यूजर्स के लिए यहाँ पे कैशबैक प्रोवाइड कर रही है। इसके सारे ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से फीचर्स में आपको क्या मिलेगा, कैसे यूज करना है। ओवरऑल हम सारा कुछ डीपली एक्सप्लेन किया हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगो देखो, इसका लोगो ही चेंज हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। अब देखा जाए पूरा इसका ईवाई में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ओपन कर लेंगे इसका, इस तरीके से डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस पहले के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको टॉप में यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे फ्लिपकार्ट और पे का सेक्शन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिवाइस के ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से यहाँ पे समझ में आए, थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में फ्लिपकार्ट और पे का ऑप्शंस मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये पे वाला ऑप्शंस क्यों दे रखा है, हम यहाँ पे ना फ्लिपकार्ट से ना अब यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जैसे हम बाकी एप्लीकेशन से कर रहे थे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और भी अदर एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर। बट हमें पे पे टैप करना है। पे पे टैप करोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस फिर से मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को बहुत ही डिटेल में बात करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए बेहतर तरीके से। हाँ, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको वही पार्ट स्किप हो जाएगा जो आपको इंतजार था, ठीक है, स्किप मत करना। अब देखिए बात करते हैं कि स्कैन एंड क्यूआर कोड ये क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट कैशबैक, क्योंकि अभी ये न्यू आई है मार्केट में, तो यहाँ आपको कुछ कैशबैक भी प्रोवाइड करेगा फ्लिपकार्ट। अब यहाँ स्कैन पे क्लिक करके आप कोई भी मर्चेंट अकाउंट पर मतलब शॉप पे जाओ, वहाँ पे क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे, या अपने फ्रेंड का ही क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो जैसे हम फोन पे के अंदर कर सकते थे। अब यहाँ पे मेरा बैंक इसमें लिंक नहीं है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऐड बैंक एंड एक्टिवेट। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल बैंक के ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे हो उस बैंक को चूज करना। जैसे कि मैं अपने केस में यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा, वेट करेंगे। यहाँ फाइंडिंग बैंक अकाउंट, कुछ ही सेकंड में हमारा बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप इस बैंक को फोन पे में यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ आपको पिन सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, वही पिन यहाँ पे भी काम करेगा। मैं उस पिन की बात कर रहा हूँ जो यूपीआई पिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूआर फॉर्म गैलरी। अगर आपके फ्रेंड व्हाट्सएप पर किसी क्यूआर कोड को सेंड किया हुआ है ना, तो आप इस पर क्लिक करके वो गैलरी से क्यूआर कोड को भी लेके पेमेंट डायरेक्टली कर पाओगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। बॉटम साइड आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, अगेन सेंड मनी, स्कैन एंड पे और माई यूपीआई। अगर हम सेंड मनी पे क्लिक करेंगे तो हम मनी को सेंड कर पाएंगे। स्कैन एंड पे पर क्लिक करके जैसे आप देख रहा होगा हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मिलेगा यहाँ पे माई यूपीआई, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका यूपीआई शो होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा और इस तरीके से पेज यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, स्कैन एंड पे पर आपको 11 रुपये का कैशबैक मिलेगा और यहाँ पे बिल एंड रिचार्ज पर 10% का ऑफ है। तो अगर आप कोई मोबाइल रिचार्ज करते हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो आपको 10% का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। वही हम बात करें पे एंड UPI ID, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मतलब इस एप्लीकेशन से आप मल्टीपल ऐप के UPI ID पे ना इंस्टेंट क्विकली मनी को ट्रांसफर कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको फ्रेंड के पास फोन पे है और आपके पास फ्लिपकार्ट UPI है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप उस फोन पे के UPI ID से यहाँ पे इंटर करो और इंस्टेंट यहाँ से पेमेंट को कर पाओगे। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हर UPI एप्लीकेशन को ये सपोर्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे जैसा कि लोगो भी देख रहे होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम, यहाँ पे चारों का यहाँ पे लोगो आपको शो हो रही है, ठीक है। अब बैक कर लेता हूँ, उसके बाद आता है यहाँ पे फोन नंबर, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप फोन नंबर से क्विकली किसी को मनी सेंड करना चाहते हो तो वो कर पाओगे। फोन नंबर का मतलब ये है कि अगर वो बंदा भी फ्लिपकार्ट यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे वो नंबर शो होगा, डायरेक्टली उस नंबर से क्लिक करके पेमेंट को ट्रांसफर कर पाओगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा सेल्फ ट्रांसफर। सेल्फ ट्रांसफर का मतलब होता है कि अपने खुद के अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, आपने अपने फ्लिपकार्ट UPI के अंदर दो बैंक लिंक करके रखे हो, एक SBI और एक पंजाब। अगर आपको पंजाब से SBI में ट्रांसफर करनी है तो आप सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें ना तो हमारा एक ही बैंक है तो यहाँ पे एक ही बैंक शो हो रहा है। अगर हम इसमें और दूसरा बैंक ऐड किए रहते तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में खुद के बैंक में मनी को हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये फीचर्स आपको हर UPI में मिलेगा, सेल्फ ट्रांसफर, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफर टू बैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खासकर हमारे लिए यूजफुल फीचर्स है, आपके लिए भी हो सकता है। जैसे अब इस पर टैप करोगे ना तो अगर आपके फ्रेंड के पास UPI एप्लीकेशन नहीं है, एग्जाम्पल उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट मनी को सेंड करना है, तो आप फ्लिपकार्ट UPI से ना किसी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मनी को ट्रांसफर कर पाओगे अप टू 1 लाख तक।
आप यहाँ से कर पाओगे। अकाउंट नंबर डालो, यहाँ पे भी अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड डालो और कंटिन्यू करो, उसके अकाउंट में जितना मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं 1 लाख के अंदर वो कर पाओगे। तो ये भी फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना चाहिए। अब यहाँ मिल रहा है चेक बैलेंस, जो कि इस पर क्लिक करके आप जो भी बैंक इसमें लिंक करके रखे हो ना, सिंपल चेक बैलेंस पे क्लिक करके उस अकाउंट का बैलेंस को चेक कर पाओगे। चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और इस बैंक का जो भी यूपीआई पिन आपने सेट कर रखा है ना, उस यूपीआई पिन को एंटर करेंगे, यहाँ पे सारे बैलेंस शो हो जाएंगे। तो ये ऊपर के मैं जितने भी ऑप्शन है सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब यहाँ मिलेगा यूपीआई आईडी और यहाँ पे यूपीआई नंबर का ऑप्शन के आगे मिल रहा है एक्टिवेट। अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो ना, तो कोई भी बंदा किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से आपके इस नंबर को इंटर करेगा तो आपको मनी ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये चीज़ आप देख लेना, आपके लायक है तो करना, बट नहीं है तो मत करना। अगर आपको अपना फ्लिपकार्ट यूपीआई का क्यूआर कोड को किसी के पास शेयर करना है, साझा करना है, तो यहाँ आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड शो होगा। इस क्यूआर कोड को यहीं से शेयर भी कर सकते हो, यहाँ से अपना यूपीआई आईडी कॉपी कर सकते हो। ये आपका यूपीआई आईडी फ्लिपकार्ट का यूपीआई आईडी होगा, ना कि फोनपे गूगल पे का, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस क्यूआर कोड को किसी के पास शेयर करके आप यहां से मनी को रिसीव कर पाओगे। तो वो चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ क्यूआर कोड को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे शेयर करना है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब यहां पे देखेंगे तो आपके सारे रिसेंट ट्रांजेक्शन शो होंगे, आपने इस फ्लिपकार्ट यूपीआई को यूज़ करके कहां कहां ट्रांजेक्शन किया हुआ है यहां पे शो हो जाएगा। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो और भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन यहां पे शो होंगे, हालांकि मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूं, तो यहां पे मेरा 3 से 4 ही ट्रांजेक्शन यहां पे शो हो रही है, ठीक है। तो आप यहां से पुराने हिस्ट्री को भी देख पाओगे। अब यहाँ पे आता है अदर सेटिंग्स के नीचे में पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, बैंक अकाउंट जो पहले से लिंक है यहाँ पे शो होगा। अगर आपको इसमें और भी कोई मल्टीपल बैंक को लिंक करना है तो ऐड बैंक पे क्लिक करके आप मल्टीपल बैंक को इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने रुपया क्रेडिट कार्ड यूज़ किए कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऐड करके उससे भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे, जो कि ये मुझे खासकर अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको सारे फीचर्स यहाँ पे भी मिलेंगे अभी तक जो हम फोनपे के अंदर यूज़ कर रहे थे। अब ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ से, हम जैसे एक और बैंक को इसमें लिंक कर लेता हूँ HDFC को, हम यहाँ पे HDFC पे क्लिक किए तो हमारा HDFC में अगर अकाउंट होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन मिला, हम डू इट लेटर पे क्लिक करेंगे। अब हमारा इस बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मान के चलो यहाँ पे दिख रहा प्राइमरी और यहाँ पे प्राइमरी शो नहीं हो रही, आखिर एक्चुअली प्राइमरी क्या है? देखिए प्राइमरी जिस अकाउंट के ऊपर शो होगा, तो कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपको अदर मतलब यूजर्स आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा पैसा भेजेगा तो वो पैसे आपके HDFC बैंक में नहीं आएंगे। जिस अकाउंट के ऊपर प्राइमरी लिखा रहेगा ना, उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा रिसीव होगा। अगर आपको चेंज करना है कि हमारा पैसा इसमें लेना है इसमें नहीं, तो आप इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप नीचे में आओगे तो यहाँ मिलेगा सेट एज प्राइमरी, इस पर टैप करोगे तो आपका ये अकाउंट प्राइमरी में एक्टिवेट हो जाएगा। और बैक करके देखोगे तो आप प्राइमरी ऊपर आपको HDFC शो हो रही है। तो आप इस तरीके से अपना प्राइमरी अकाउंट को भी चेंज कर पाओ, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट अकाउंट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हो। अब यहाँ पे आता है टिकट। टिकट क्या है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यू डू नॉट हैव एनी टिकट। अब टिकट का मतलब ये मैं समझ रहा कि ट्रेवल वाला टिकट में बात कर रहा हूँ, ये वो टिकट नहीं है। ये टिकट का काम है ना, जैसे आप कोई कंप्लेंट दर्ज की हुए तो आपको ना हर एप्लीकेशन में ना एक कोड जनरेट होता है, कंप्लेन कोड। तो यहाँ पर ना टिकट के नाम से फ्लिपकार्ट ने दे रखा है, और यहाँ पे आपका शो होगा कि आपने कौन कौन से कंप्लेन दर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो आप उस टिकट से ट्रैक कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होंगे, आपको यहीं से पेमेंट को अप्रूव करना है, सक्सेस करना है, जो भी करना है आप कर पाओगे। तो वो चीज़ तो आपको इजी समझ में आ ही रहा होगा। आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, मिलेगा ब्लॉक UPI IDs पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आप UPI ID ब्लॉक करके रखे होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। हालांकि मैं ऐसा कोई UPI ID ब्लॉक अभी तक नहीं किया हुआ है और मैं कभी करता भी नहीं हूँ, ऐसे मेरे साथ कभी स्कैम फ्रॉड नहीं हुई है। अगर आपके साथ ऐसा आ रहा कि फेक UPI ID है तो आप इसको ब्लॉक करके इसमें ऐड कर सकते हो, बट वो चीज़ बहुत ईजी है, कर पाओगे। अब यहाँ मिल रहा ऑटो पे मैंडेट, ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम उसका पेमेंट UPI से ही करते हैं। तो अगर उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप UPI यूज करते हो, उसमें जो भी बैंक से पेमेंट करोगे तो उस बैंक के ऊपर ना ऑटो पे सेटअप हो जाता है। तो आप यहाँ से ना कैंसिल भी कर पाओगे और सेटअप भी कर पाओगे, दोनों चीज़ यहाँ से आप कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो सारे एप्लीकेशन का यहाँ पे लोगो भी दिख रहा होगा जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन चलती होगी, नेटफ्लिक्स, बूट, प्ले स्टोर, Z5, हॉटस्टार, मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आप देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारे फीचर्स एंड हो रहे हैं, मतलब UPI में इतना ही सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर पाया हूँ। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके बिना कोई हिचकिचाहट के हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।